आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर श्वसन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसमें परीक्षा में रुकी प्रश्नों को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए पढ़ेंगे। देखिए, जो श्वसन तंत्र है हमारा, श्वसन तंत्र में दो प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जो कि कोशिकाओं के अंदर होती हैं और बाह्य रूप से होती हैं। जो बाह्य रूप से जो श्वसन प्रक्रिया होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसका अर्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई, ये हमारी बाह्य प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें हमारे फेफड़े वगैरह, हमारे डायफ्राम हो गए, हमारी नासिका हो गई, ये सब भाग लेते हैं। लेकिन जो हमें मेन रूप से पढ़ना है, जहाँ हमारे परीक्षा का प्रश्न आ सकता है, वो हमारा अंतःश्वसन। अंतःश्वसन से आशय ये होता है कि जो हमारी कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। बाह्य श्वसन अलग होता है और अंतःश्वसन बिल्कुल ही अलग होता है। कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं के पार्ट होते हैं, माइटोकांड्रिया होते हैं, बॉडी सारे कोशिकांग होते हैं, तो जिसमें ये भाग लेते हैं, ठीक है। तो श्वसन तंत्र हमारा अंतःश्वसन मुख्य रूप से होता है। फिर भी हम यहाँ पर देख लें, श्वसन तंत्र आया कहाँ से, कहाँ पर श्वसन तंत्र पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे श्वसन तंत्र के पास, देखें हम लोग इसके अंदर श्वसन तंत्र कैसे समझेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पर ये देख लें कि श्वसन प्रक्रिया किसका हिस्सा है। तो श्वसन प्रक्रिया किसका हिस्सा है, ये श्वसन प्रक्रिया हमारा उपापचय का हिस्सा है, उपापचयी प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया हमारा किसका हिस्सा है, उपापचयी प्रक्रिया का हिस्सा है। उपापचयी प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम सेपरेट रूप से देखेंगे। तो पहले तो दो चीजें आ जाती हैं, एक आती है हमारी सृजनात्मक क्रिया, एक आती है हमारी विखंडनात्मक। सृजनात्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होते हैं कि अणु आपस में जुड़ते हैं। अब अणु किसके जुड़ेंगे, खाद्य पदार्थ होंगे, उसमें बहुत ऐसे तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व क्या होते हैं, वो अणु होते हैं, उनके अणु होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं। जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो मानव का भार जो होता है, मनुष्य का भार जो होता है, वो बढ़ता है। दूसरी बात क्या है, विखंडनात्मक। विखंडनात्मक में क्या होता है, मनुष्य का भार कम होता है, मतलब कि अणु आपस में टूटने लगते हैं। तो जब अणु टूटेंगे तो उनमें क्या होगा, विखंडन की प्रक्रिया होगी। और जब हम विखंडन प्रक्रिया में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो विखंडन प्रक्रिया के अंतर्गत ही हमारा क्या जाता है, श्वसन आ जाता है। तो हम लोग जो श्वसन जो पढ़ने जा रहे हैं, श्वसन किस प्रकार की उपापचयी प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया के अंदर विटामिन मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, जिससे ऊर्जा का क्या होता है, संचार होता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया जो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया, उपापचयी प्रक्रिया है। उस उपापचयी में किसकी कैसी प्रक्रिया है, विखंडनात्मक प्रक्रिया, मतलब कि अणु आपस में क्या होंगे, टूटेंगे, इससे मानव का क्या होता है, भार कम होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी रिलीज होती है तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग पोषक तत्वों में कि एनर्जी किन किन चीजों से रिलीज होती है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन चीजें मुख्य होती है जहां से हमें एनर्जी मिलती है। तो उसमें भी समझ देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर वसा से मिलती है, फिर प्रोटीन से मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से ग्लूकोज ईंधन की बात करेंगे। ग्लूकोज मुख्य रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक। अब आइए, तो श्वसन कैसी प्रक्रिया होगी, हमारी विखंडनात्मक प्रक्रिया होगी। ये पहला परीक्षा का प्रश्न हो सकता है कि श्वसन कैसी प्रक्रिया है। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है, विखंडनात्मक प्रक्रिया है, मतलब कि अणु आपस में टूटेंगे। तो अणु आपस में कैसे टूटेगी, यहां पर देखेंगे। अब अणु टूट रहे हैं तो अणु किसके टूट रहे हैं, तो ग्लूकोज के अणु टूटेंगे। ग्लूकोज को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज के अणु आपस में क्या होंगे, टूटेंगे। तो ग्लूकोज टूट रहा है, तो अब इस ग्लूकोज टूटने के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं और शामिल हो जाती है। वो दो प्रक्रियाएं कौन सी हैं, ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी और अनॉक्सी। अब यहां पर समझे कि ग्लूकोज जब टूट रहा है तो ग्लूकोज टूटे कोई प्रोडक्ट हमको मिलेगा, कोई उत्पाद हमको प्राप्त होगा और हमको कुछ एनर्जी प्राप्त होगी। तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत, ग्लूकोज जब टूट रहा है हमको एनर्जी प्राप्त होगी, तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत, ऑक्सी प्रक्रिया के अंतर्गत या अनॉक्सी प्रक्रिया के अंदर हमको एनर्जी ज्यादा प्राप्त हो रही है।
तो एनर्जी हमें ज्यादा कहाँ प्राप्त हो रही है, जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होगा। जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो उसका क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण जब हो जाता है तो हमें किसी भी प्रकार का मुख्य रूप से कोई प्रोडक्ट हमको प्राप्त नहीं होता है, जैसे कि अनाक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत हमको प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो प्रोडक्ट कौन सा प्राप्त हो रहा है अनाक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसमें अनाक्षी मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सी ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन इसमें उपस्थित है ऑक्सी में, और अनाक्षी का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। यहाँ देखिए दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सी शोषण और अनाक्षी शोषण। ऑक्सी शोषण में हमारा ग्लूकोज है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है हमें, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या ग्लूकोज, और ये कैसी प्रक्रिया हो गई, ऑक्सी क्रिया हो गई, ऑक्सीशोषण मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ऑक्सीजन के 6 अणु यहाँ पर भाग ले रहे हैं। और हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज कर देते हैं, और फिर जल प्राप्त होता है हमको, पानी होता है, 6H2O, और हमको 686 किलो कैलोरी प्राप्त होती है एनर्जी के रूप में जब एक अणु ग्लूकोज का जारण होता है 6 अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अनाक्षी क्रिया में देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, तो अनाक्षी क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या हमको मिला, एथिल अल्कोहल, क्या मिल रहा है हमें, एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे एथिल अल्कोहल की प्राप्ति हो रही है। फिर उसके बाद 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 56 किलो कैलोरी प्राप्त हो रही है। यहाँ पर आप देख ध्यान दीजिए आप लोग, 56 किलो कैलोरी और 686 किलो कैलोरी। तो किस प्रकार की श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें सबसे अधिक एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो किस प्रकार की है प्रक्रिया, तो ऑक्सी श्वसन के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आइए अनाक्षी श्वसन में थोड़ा जान लेते, अनाक्षी प्रक्रिया कहाँ देखने को मिलेगी, ये तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में 686 किलो कैलोरी सबसे अधिक प्राप्त होती है, लेकिन ये अनाक्षी क्रिया और कहाँ देखने को मिलती है, तो ये कहाँ देखने को मिलेगी, अनाक्षी क्रिया हमें कहाँ देखने को मिल रही है, किण्वन प्रक्रिया में, किण्वन प्रक्रिया के अंतर्गत हमको अनाक्षी क्रिया देखने को मिलती है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। इसको हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत हम किण्वन की प्रक्रिया के अंतर्गत अनाक्षी श्वसन होता है, जैसे सिरका उद्योग में, सिरका उद्योग होता है, सिरका उद्योग के एसिटिक अम्ल, सिरका उद्योग के अंतर्गत तो इसके अनाक्षी क्रिया होती है, तो किण्वन प्रक्रिया होती है। और देखिए कहाँ देखने को मिलेगा हमको, ये बीजों के विश्रामा अवस्था में हमें क्या मिलता है, ये देखने को मिलता है। जब बीज हमारे विश्रामा अवस्था में होते हैं उसमें किसी प्रकार का अंकुरण नहीं होता है, तो वहां पर जो भंडारण में रखे जाते हैं, तो वो बीज कहाँ, उन बीजों में कैसे प्रक्रिया होती है, अनाक्षी प्रक्रिया होगी, मतलब ऑक्सीजन क्या होगा वहां पर, ऑक्सीजन क्या होगा उपस्थित रहेगा, मतलब कि हमको यहाँ पे एथिल अल्कोहल मिल रहा है। आप देखिए मानवों में कहाँ हो रहा है, मानव पेशियों में हो रहा है, अनाक्षी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, मानव की पेशियों में हो रहा है, जीव जंतुओं की पेशियों में हो रहा है, मानव की पेशियों में। और जब मानवों की पेशियों में अनाक्षी क्रिया होगी तो क्या बनता है, क्या बनता है, तो पायरूबिक अम्ल बन सकता है, और पायरूबिक अम्ल से क्या बन सकता है, लैक्टिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये कि लैक्टिक अम्ल बनने की प्रक्रिया किस श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है, तो किस श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल है, तो किसके अंदर शामिल है, अनाक्षी प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल। अनाक्षी प्रक्रिया मतलब जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो वहां पर लैक्टिक अम्ल मिलता है, और लैक्टिक अम्ल के निर्माण से हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो यह हम पूरा क्लियर हो गया, अनाक्षी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे ये पूरी प्रक्रिया जो हो गई हमारी कैसी प्रक्रिया होती है, अंतः श्वसन की प्रक्रिया होती है।
लेकिन इस प्रक्रिया के होने में कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिया होती है जिसे जैविक रासायनिक क्रिया हम लोग बोलते हैं। तो जैविक रासायनिक क्रिया हमारी कोशिका के अंदर संपन्न हो रही है और ये क्रिया संपन्न हो रही है तो उसका एक चरण होता है, तो उस चरण से होकर गुजरता है। जब उस चरणों से होकर गुजरता है तो हमको फिर इसमें क्या होती है, एनर्जी की प्राप्ति होती है। एनर्जी मतलब 686 किलो कैलोरी 56 किलो कैलोरी हमने कहा, लेकिन इसको प्रेजेंट हम लोग करते हैं एटीपी में, एटीपी तो इसको हम लोग एटीपी में प्रेजेंट करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो एटीपी जिसे हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का सिक्का। तो ऊर्जा के सिक्का की संज्ञा किसे दी जाती है, एटीपी को, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारे एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है एटीपी, और एटीपी के अणु बनते हैं इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिसमें हमारे आ जाएंगी दो चरण आएंगे, उन दो चरणों से गुजरता है तो हमारे एटीपी का निर्माण होता है जो परीक्षा का प्रश्न हो सकता है। तो इसको देखिए आप लोग कितने एटीपी किन प्रक्रियाओं से होकर गुजर के बनता है। देखिए ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत दो चरणों को शामिल किया गया है। वो दो चरण हैं ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और क्रैफ्ट चक्र या सिट्रिक अम्ल प्रक्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और क्रैफ्ट चक्र, इन दो चरणों से होकर ये दोनों प्रक्रियाएं गुजरती हैं। तो उन दो प्रक्रिया ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण किन दो चरणों से होकर गुजरती हैं, तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत और क्रैफ्ट चक्र और सिट्रिक चक्र के अंतर्गत से होकर गुजरती है। इससे हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्ति होगी, और ऊर्जा किस रूप में प्राप्ति हो रही है, एटीपी के रूप में। अब एटीपी एटीपी के रूप में किस तरह से प्राप्त हो रही है, इसमें किस प्रकार का प्रोडक्ट उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो आइए पहले नंबर ग्लाइकोलिसिस देखें। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया पहला चरण, ये प्रथम चरण होता है, मतलब अंतःश्वसन का प्रथम चरण क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में हमारा ग्लूकोज पार्टिसिपेट करता है C6H12O6। तो C6H12O6 जब पार्टिसिपेट करेगा तो इससे हमें कुछ प्राप्त होगा। तो वो कुछ क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है प्रोडक्ट के रूप में पायरूबिक अम्ल। अब देखिए यहां पर मैंने शुरुआत में आप लोग को बताया है कि हमको पायरूबिक अम्ल प्राप्त हो रहा है या कोई उत्पाद प्राप्त हो रहा है, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, लैक्टिक अम्ल हमको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो कैसी प्रक्रिया होगी, अनाक्सी प्रक्रिया होगी। तो यहां पर अनाक्सी प्रक्रिया के अंतर्गत मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो हमको ग्लूकोज से पायरूबिक अम्ल प्राप्त हो गया। जब हमको पायरूबिक अम्ल प्राप्त होता है प्रोडक्ट के रूप में तो हमें कितने एटीपी की प्राप्ति होती है, ध्यान देंगे यहाँ पर कितने एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम लोग ऊर्जा का सिक्का कह रहे हैं, कितने प्राप्त होती है, तो कितनी प्राप्त होती है कंप्लीट रूप से, कंप्लीट अंतिम रूप से अगर हम बात करें, अंतिम रूप से कई प्रक्रियाएं उनसे होकर गुजरता है ये भी, देखिए अंतिम रूप से कितनी एटीपी प्राप्त हो रही है, तो 2 ATP हमको प्राप्त होती है कंप्लीट रूप से, हमको 2 ATP प्राप्त होती है। तो पहला प्रश्न यहाँ हो सकता है कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लूकोज से हमें कितनी ATP प्राप्त होती है, 2 ATP प्राप्त होती है, 2 ATP प्राप्त होगी। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस जो पूरा प्रोसेस उसमें कितनी ATP प्राप्त हुई है, तो हमको 4 ATP प्राप्त हुई है। लेकिन जो 4 ATP हमको प्राप्त हुई थी उसके उसमें से 2 ATP हमारी खर्च हो जाती है फास्फोरिलीक प्रक्रिया के अंतर्गत। तो फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया, तो फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत 2 ATP खर्च होगी। तो इसका मतलब 4 ATP में से 2 ATP खर्च हुई, तो 2 ATP हमको प्राप्त हो गई। तो दो, अब यहां पे जो देखिए C6H12O6 हमको पायरूबिक अम्ल मिला और हमको फाइनली 2 ATP प्राप्त हुई। यहां से आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 2 ATP मिल रही है तो हमको 2 पायरूबिक अम्ल भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेस करके 2 पायरूबिक अम्ल
हमको प्राप्त होगा। तो कितने पायरूपिक अम्ल भी प्राप्त हुए हमें? दो पायरूपिक अम्ल भी प्राप्त हुए, दो पायरूपिक अम्ल प्राप्त हुए, दो पायरूपिक अम्ल के अणु प्राप्त हुए और दो एटीपी प्राप्त हो गई। ठीक, अब यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंचरणों से गुजरकर किस चक्र में प्रवेश करेगी? तो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने जा रही है। तो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेगी। अब क्रेब्स चक्र में प्रवेश करती है तो क्रेब्स चक्र में कौन प्रवेश कर रहा है? पायरूपिक अम्ल, ना कि ग्लूकोज। अब दो पायरूपिक अम्ल, दोनों पायरूपिक अम्ल कहां प्रवेश करेंगे? क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेंगे। दूसरा चरण है हमारा क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र में एक अणु पायरूपिक अम्ल का फिर एक अणु, क्योंकि हमको दो अणु प्राप्त होने थे, एक अणु पायरूपिक अम्ल, दूसरा अणु पायरूपिक अम्ल का, दोनों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा मतलब कि ऑक्सीजन के साथ दोनों ही क्रिया करेंगे और इससे हमें एटीपी की प्राप्ति होगी, मतलब कि कंप्लीट जो होता है ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमको प्रोडक्ट के रूप में कोई भारी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी, और एनर्जी के रूप में हमको एटीपी की जो प्राप्ति होगी वो एटीपी की संख्या कितनी होगी? तो सबसे ज्यादा एटीपी की प्राप्ति हमको क्रेब्स चक्र या सिट्रिक चक्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो दो दो पायरूपिक अम्ल हमको मिले थे, एक पायरूपिक अम्ल से हमें 18 एटीपी प्राप्त होगा, एक पायरूपिक अम्ल से हमें 18 एटीपी प्राप्त होगा, दूसरे पायरूपिक अम्ल से हमें 18 एटीपी प्राप्त होगा। दोनों पायरूपिक अम्ल से हमें कितना कितना एटीपी प्राप्त हो रहा है? 18 एटीपी प्राप्त हो रहा है। कहां पर? क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र प्रक्रिया में। तो कुल मिला के हमें कितनी प्राप्ति होगी? 36 एटीपी हमको प्राप्त हुआ। अब 36 एटीपी हमें कहां प्राप्त हो रहा है? तो क्रेब्स चक्र में। दो एटीपी हमें कहां प्राप्त हो रहा है? तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है। तो 36 एटीपी और ग्लाइकोलिसिस, दो एटीपी दोनों जोड़ लेंगे तो कुल मिला के अड़तीस एटीपी हमें प्राप्त हो रहे हैं। कहां पर? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें कुल 38 एटीपी प्राप्त होते हैं और यह 38 एटीपी हमें प्राप्त हो रहे हैं। और तो क्रेब्स चक्र ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया, और यह क्रेब्स चक्र कहां संपन्न हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका कला में संपन्न होते हैं। एटीपी, एटीपी क्या बोलते हैं? ऊर्जा का सिक्का। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस संख्या दी जाती है, कोशिका पावर हाउस संख्या किसे दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है। तो 38 एटीपी फाइनली हमको मिलता है। तो अंतः श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत, अगर सिर्फ पूरा सवाल पूछेंगे, अंतः श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत हमें कुल कितनी एटीपी की प्राप्ति होती है? तो 38 एटीपी की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया और क्रेब्स चक्र को, तब हम ये कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी और क्रेब्स चक्र में 36 एटीपी की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर 38 एटीपी हो जाता है। फिर आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक श्वसन गुणांक होता क्या है और श्वसन गुणांक का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो श्वसन गुणांक का पहले देखें उपयोग कहां कर रहे हैं, इसका उपयोग कहां करते हैं। तो श्वसन गुणांक का प्रयोग हम लोग जो खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं पोषक तत्वों के रूप में,
कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, तो हम उससे क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। श्वसन प्रक्रिया में जाते ही हमको दिमाग में आना चाहिए कि हमको एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो कार्बोहाइड्रेट हम ग्रहण करते हैं, वसा ग्रहण करते हैं, प्रोटीन ग्रहण करते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमको श्वसन गुणांक का जब हम पता लगा लेते हैं, तो हम ये पता लगा लेते हैं कि हमें किस पोषक तत्व से एनर्जी प्राप्त हो रही है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हो रही है, वसा से प्राप्त हो रही है, प्रोटीन से प्राप्त हो रही है। तो जो श्वसन गुणांक होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का पोषक तत्व तो हम हमारा शरीर कोशिका में उपयोग कर रहा है, किस पोषक तत्व का उपयोग कर रहा है जिससे हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पहले तो इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो श्वसन गुणांक निकालने का फार्मूला क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया, हमारी कोशिकाएं जितना ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही हैं और जितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रही हैं, उसका उत्पादन कर रही हैं। जैसे ये रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड H2O और इतनी कैलोरी ऊर्जा, तो CO2 का उत्पादन कर रही हैं, ऑक्सीजन को उपभोग कर रही हैं, ग्रहण कर रही हैं, तो इसको हम प्रोडक्ट के रूप में, उत्पादन के रूप में हमको CO2 यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये कैसे प्रक्रिया? ऑक्सी प्रक्रिया के अंतर्गत। तो ऑक्सी प्रक्रिया में अगर उदाहरण तौर पे इस रिएक्शन को देखें कि हमको ग्लूकोज के जारण से, मतलब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमको CO2 मिल रहा है, तो कितना CO2 मिल रहा है? तो कितना CO2 मिल रहा है? 6 CO2, मतलब कि 6 अणु हमको प्राप्त हो रहे हैं। 6 लिख लिया हमने। ऑक्सीजन का उपभोग कितना हो रहा है, इस्तेमाल कितना हो रहा है पूरी प्रक्रिया में, तो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। एलिमिनेट किया हमने इसको, हमको 1 प्राप्त हुआ, मतलब कि श्वसन गुणांक का मान कितना हो गया? 1। यदि श्वसन गुणांक का मान 1 निकलता है, जिसे हम लोग गैनान गुणांक मापी द्वारा मापते हैं, गैनांक गुणांक मापी द्वारा मापते हैं, तो उसका मान हमें 1 प्राप्त हुआ। तो 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब ये हो गया कि हमें कार्बोहाइड्रेट का, हमारा शरीर जो श्वसन प्रक्रिया हो रही है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जरण हो रहा है। 1 का मतलब, क्योंकि तो ये 1 मान किस रिएक्शन के लिए है? ये ग्लूकोज के रिएक्शन के लिए है, जो ये प्रक्रिया हो रही है ग्लूकोज के अंतर्गत हो रही है। उसी प्रकार वसा और प्रोटीन की बात करें, वसा और प्रोटीन, तो वसा और प्रोटीन में जब हम जाएंगे, तो जब श्वसन गुणांक का मान 1 से कम होगा, 1 से कम, तो इसका मतलब है कि वसा प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है। और अगर 1 से अधिक है तो भी हमारा वसा प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किस प्रक्रिया में, देख लेते हैं कौन सी प्रक्रिया में। तो ऑक्सी के अंतर्गत जब ऑक्सी प्रक्रिया है और 1 से कम होगा, तो वसा प्रोटीन 1 से कम होगा गुणांक का मान, तो समझ लेंगे वसा प्रोटीन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऑक्सी प्रक्रिया के अंतर्गत। अगर 1 से अधिक है वसा प्रोटीन का श्वसन गुणांक का मान, तो हम यह मान लेंगे कि कैसी प्रक्रिया है? अनॉक्सी, जिसे हम लोग मान इसे मापेंगे, गैनान गुणांक मापी से मापेंगे। यह आज का पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा होगा तंत्रिका तंत्र, तो तंत्रिका तंत्र हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।